किए थे यार थे यार अब करता था रमैया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो पापा, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो मैं आज करने जा रही हूँ वो मैंने कई सालों से नहीं किया। मामा, हाँ बेटा, हाँ विवान तो सारा सस्पेंस पहले ही खत्म कर देता है हर व्लॉग में। तो ये मैंने बहुत साल से नहीं किया, हम लोगों ने रोक रखा था एक्चुअली विवान की वजह से। विवान जब भी थिएटर जाता था, मतलब कोई दूसरे शोज वगैरह वाले थिएटर, तो रोने लगता था। तो हम लोग पिछले कई साल से हम लोग मूवी नहीं गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आई है, कौन सी मूवी जा रहे हैं हम लोग, जवान आई है जिसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा कि ट्राई किया जाए, जाया जाए। विवान भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो लेट्स सी। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मूवी थिएटर भी और विवान का कैसा रहता है, उसका रिएक्शन वो भी अपडेट मैं दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग, है ना विवान, लेट्स गो। हम लोग जा रहे हैं AMC वेस्ट शोर प्लाजा, जिसमें मैंने शायद उसी में मैंने शॉपिंग वीडियो बनाया था ना, मैंने उसमें शॉपिंग व्लॉग उसी मॉल में बनाया था। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग भी आज का और लेके चलते हैं आपको यहाँ के थिएटर, है ना विवान, लेट्स गो। तो फाइनली आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सालों के बाद हम लोग मूवी जा रहे थे, और उसमें भी अगर आप बॉलीवुड मूवी जा रहे हो SRK की तो क्या बात है। और मैं और हस्बैंड मेरे दोनों ही बहुत ज़्यादा शौकीन थे मूवी देखने के, इनफैक्ट हैं। बट एज यू ऑल नो कि विवान छोटा था तो उस वजह से हम लोगों ने इसको थोड़ा होल्ड पे रखा था। बट जब हम लोग यहाँ आने से पहले हम लखनऊ में थे तो हम ऑलमोस्ट सारी मूवीज हॉल में देखा करते थे। तो हम लोग फाइनली मॉल तो पहुँच गए हैं। 7:30 का हमारा शो है, 7:26 अभी हो रहा है, और ये विमान की पहली मूवी है। तो हमें नहीं पता वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो हम लोग गए थे लास्ट ईयर यूनिवर्सल, वहाँ पे कुछ शोज थे तो वो थोड़ा थिएटर टाइप का था, तो विमान काफ़ी डरने लगा था और रोने लगा था, तो इसीलिए हम लोग मूवी एक्चुअली नहीं जाते थे। बट हमने सोचा कि चलो कभी तो उसको स्टार्ट करना है, कभी तो ट्राई करना है, तो आज ही क्यों नहीं। तो फिर इसीलिए हम लोग आ गए हैं और देखते हैं मूवी कैसी होती है और विवान का रिएक्शन भी कैसा होता है, और मूवी का रिव्यू भी मैं आपको एंड में मूवी देखने के बाद ज़रूर दूंगी। तो चलिए देखिएगा लास्ट तक, लेट्स गो। वैसे इस वाले थिएटर में हम लोग भी पहली बार ही आए हैं, मैं दूसरे AMC में गई हूँ, इस वाले मॉल वाले में नहीं आई हूँ। तो लेट्स सी कैसा रहता है हम लोगों का एक्सपीरियंस। अच्छा ही होगा, नो डाउट अच्छा ही रहता है हर बार। तो ये ऐसे है, यहाँ तो ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज ही होंगी। और मेरे घर में सभी लोग जो हैं वो बहुत बड़े SRK के फ़ैन हैं, और बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छी मूवी आई है जिसका रिव्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना देखी जाए। विवान आया है इसी शर्त पे कि मुझे चाहिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक सोडा, तो भाई उसकी शर्त तो माननी पड़ेगी। व्हाट इज दैट विवान, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, या इट्स डॉल, इट्स बार्बी, एंड व्हाट इज दैट, दीज आर पॉपकॉर्न, यकी पॉपकॉर्न, I don't think that's yucky popcorn. I think that's Oreo popcorn. ठीक से देखिए, carefully. It has Oreo. Yeah? No? Oreo chunks. And that's caramel popcorn. That's caramel popcorn. फिर इसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे और फिर फाइनली हम लोगों ने अपना पॉपकॉर्न ले लिया और यहाँ बड़ा सा ग्लास हम लोगों ने भर लिया सोडे से। थैंक यू गाइस, थैंक यू बॉयज,
यू बॉयज आर टेकिंग फैंटा फॉर मी बिकॉज आई डोंट लाइक एनीथिंग एल्स राइट विवान बस बस स्पिल होने लगेगा फिर लेट्स गो प्लीज आई डोंट वांट टू मिस बिगनिंग ओह चलो 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 लेट्स गो फास्टर वेयर ओके थिएटर फाइव It's fun, Vivan, na? Do you like this place? Okay. This is gonna be fun. This is 6 and that's 5. Okay. Thank God, start नहीं हुआ है और हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि विवान भी काफ़ी कामली अपना आईपैड देख रहा था और पॉपकॉर्न इन्जॉय कर रहा था और उसको एक्चुअली एक्शन सीन्स और वो पसंद है तो बीच बीच में एक्चुअली वो मूवी भी इन्जॉय कर रहा था तो वो दोनों तरफ उसने कंसंट्रेट करा हुआ था प्रॉपर और चूंकि वो कंफर्टेबल था तो हम लोगों ने भी काफ़ी कंफर्टेबली मूवी इन्जॉय किया फिर हम लोग भी बाहर निकल के मस्त एकदम रामैया वस्तावैया पे खूब हमने भी डांस किया वहाँ पे कोई जवान की पोस्टर तो थी नहीं तो मार्बल के पोस्टर के सामने ही हम लोग नाच लिए उसके बाद मूवी हो गई थी ख़त्म मैं यही बोलूँगी दोस्तों कि जो मूवी है आप लोग ज़रूर जाके देखिए एक बार क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज दिया गया है और बहुत दिनों के बाद इस तरीके के टॉपिक पे एक मूवी बनाई गई है दूसरी चीज़ है इस मूवी की अच्छी बात एक ये भी है कि ये जो मूवी है ना थ्रू आउट द मूवी कहीं पर भी आपको बोर नहीं करेगी कहीं पर भी स्लो नहीं थी बहुत सारी मूवीज़ में होता है ना कि लग रहा है कि खींच रहे हैं मूवीज़ को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मूवी काफ़ी अच्छी थी और इंटरटेनिंग थी और सबसे अच्छी बात है कि इस मूवी का मैसेज बहुत अच्छा है तो प्लीज़ आप जाएं देखें और इन्जॉय करें मूवी हो गई है ख़त्म और अगर मैं रिव्यू दूँ तो ज़्यादा नहीं बताऊँगी बस इतना कहूँगी कि बहुत दिन के बाद बहुत अच्छी मूवी आई है समय निकाल के जा सकते हैं आप और मेरी भी US में दूसरी या तीसरी मूवी है बट बॉलीवुड पहली मूवी है उसके पहले विवान के बॉर्न होने से पहले हम लोग दोनों जाया करते थे बट तब इंडियन मूवी बॉलीवुड नहीं दिखी थी हम लोगों ने तो ये मेरी US में पहली बॉलीवुड मूवी है काफ़ी अच्छी थी और ज़्यादा बताऊँगी तो सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा मूवी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा आपको मज़ा नहीं आएगा तो इसीलिए ज़्यादा नहीं बताऊँगी बस इतना कहूँगी कि समय निकाल के जाने वाली मूवी है और बहुत दिन के बाद बॉलीवुड में अच्छी मूवी आई है और हम लोगों ने फिर से पॉपकॉर्न रिफिल कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं वी आर गोइंग से बाय बाय तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक कर दे वीडियो को फिर मैं आऊँगी जल्दी दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय गुड नाइट अपना ख्याल रखें